ओम नमो आदेश गुरु जी को प्रणाम। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पुतली का तंत्र, अर्थात पुतला विद्या। पुतली का तंत्र और पुतला विद्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल में आती है, किस समय यह किया जाता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तिथि वार इसमें कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, इसके अलावा इसके लक्षण क्या होते हैं, पुतली तंत्र क्यों करवाया जाता है, कारण क्या होते हैं, इन सभी विषयों पर यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में एक एक चीज बारीकी से आपको बताऊँगा, बिल्कुल बारीकी से बताऊँगा, ताकि आपको कहीं पर भी चक्कर काटने ना पड़े कि पुतली तंत्र आखिर होता क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करता है और क्या क्या यह काम कर सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि पुतली तंत्र होता क्या है। देखिए, पुतली तंत्र की जो परिभाषा है वह इस तरह से है, किसी भी मनुष्य के अंश को, शरीर के उसके अंश से यदि एक पुतले का निर्माण कर लिया जाए, एक पुतली का निर्माण कर लिया जाए, जिसके द्वारा उस व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस पुतली के अंदर कर दी जाए, जैसे भगवान की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करते हैं, वही विधि सेम ही होती है। इसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा पुतली के अंदर कर दी जाती है और फिर आपका जैसे ही उसमें अंश, आपका तत्व उस पुतली के अंदर स्थापित होता है, फिर उसको तरह तरह से पीड़ित कर दिया जाता है, आपको कष्ट दे दिया जाता है, अनेक प्रकार से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव उसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो यह लब्बो लबाव था पुतली तंत्र का। अब हम जान लेते हैं कि इसमें सामग्री क्या क्या इस्तेमाल में की जाती है। देखिए, किसी भी मनुष्य की पैर तले की मिट्टी, बाएं पैर तले की मिट्टी, लेफ्ट पैर के नीचे की मिट्टी, या फिर उसके पेशाब की मिट्टी, मान लीजिए उसने कहीं पेशाब किया है दीवार के साथ में, पेड़ के पास, तो पेशाब करने के बाद उसकी मिट्टी को उठा लिया जाता है पेशाब की, और उसका इस्तेमाल पुतली तंत्र में किया जाता है। उसके कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है, शरीर पे जो उसने पहना है कपड़ा वह इस्तेमाल करके पुतली को बनाया जा सकता है। आपका बाल उसे मिल जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, नाखून का प्रयोग कर सकता है, मल का प्रयोग कर सकता है। तो ये टोटल सामग्रियाँ होती हैं। इसमें जो मिट्टी आपके पैर के नीचे की उठाई गई है या पेशाब की उठाई गई है, आपके थूक की मिट्टी उठाई गई है, तो उसके द्वारा शमशान की मिट्टी में वह मिट्टी मिलाकर, दोनों को मिलाकर, और एक पुतला तैयार किया जाता है, एक आदमी का नक्शा बनाया जाता है। उसमें आदमी का सर होता है पूरी तरह से, जैसे एक प्लास्टिक का गुड्डा गुड़िया आते हैं, ऐसा ही मिट्टी का उसको रूप दिया जाता है। अब यदि उसके पास आपका बाल है तो उसको बाल सर में लगाया जाता है, नाखून है तो उसको लगाया जाता है हाथ में, आपका कपड़ा है तो वह उसको पहनाया जाता है। इस तरह से आपके शरीर के अंश का जो भी मिट्टी है, कपड़ा है, कोई भी वस्तु है, आपका कोई झूठा खाना है, आपका पिया हुआ पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, मतलब कहने का ये है कि आपके शरीर की ऊर्जा जिस चीज़ में लग जाती है उसके प्रयोग से पुतली बनाई जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी शरीर की ऊर्जा क्या होती है, तो बेटा शरीर की ऊर्जा कहिए, इसको शरीर की स्मेल कहिए आप, यह आपके शरीर से तरंगों के रूप में निकलती है। जैसे आपने कोई कपड़ा पहना है और आपने देखा होगा कि जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो उसके पैरों को कुत्ता एक होता है, प्रशिक्षित कुत्ता होता है, जो उसकी पैरों की खुशबू को सूंघकर उस तक पहुँच जाता है। इसी तरह किसी के कपड़े की खुशबू से भी पहचान लिया जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो ग्रंथियां नहीं होती, वो इंद्रियां काम नहीं करती इतना जितना कि पशु के अंदर काम कर लेती हैं। उसी ऊर्जा से, उसी खुशबू से कोई कुत्ता चोर तक पहुंच जाता है, अपराधी तक पहुंच जाता है। तो यह ऊर्जा आपके शरीर की होती है, जो आप जहाँ पर बैठते हैं, पेशाब करते हैं, मलमूत्र करते हैं, थूकते हैं, आपका झूठा खाना होता है, तो उसमें आपकी एक ऊर्जा होती है, उसी का प्रयोग करके इस पुतली का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम इसके समय की बात कर लेते हैं कि यह किया किस समय हो जाता है। तो यह 11 बजे रात के 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यह पुतली तंत्र किया जाता है, किसी शमशान में, किसी वीरान स्थान में, किसी मरघट में इस पुतली तंत्र को किया जाता है। रात के 11 बजे से 3 के बीच में यह क्रिया होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, तंत्र की वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो पुतली तंत्र के माध्यम से की जा सकती हैं। तो सर्वप्रथम जो अधिक मामले हमारे पास आते हैं उनमें ज़्यादातर केसों में मारण क्रिया के लिए पुतली का प्रयोग किया जाता है, वशीकरण के लिए किया जाता है और स्तंभन तंत्र करने के लिए पुतली का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए या किसी को रोकने के लिए, चाहे उसकी बुद्धि को रोकिए, उसके रोजगार को रोकिए, काम धंधे को रोकिए, संतान वृद्धि को रोकिए, इस तरह से ये क्रियाएँ की जा सकती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें गुरु जी तिथि ग्रह नक्षत्र का क्या विचार होता है। तो बेटा इसमें अमावस्या, होली, दिवाली, इस तरह की जो रात होती हैं, जैसे कोई पर्व है उसकी रात होती है, उस रात में यह तंत्र किया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णमासी, शनिवार, मंगलवार, इन दिनों के आसपास हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यह ज़्यादा दिक्कत इन्हीं दिनों में होती है क्योंकि तंत्र में यह दिन विशेष होते हैं। कोई अमावस्या हो, होली हो, दिवाली हो, पूर्णिमा हो, कोई शनिवार हो, इस तरह से इसके प्रभाव होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रभावों के बारे में, इसका पुतली तंत्र का प्रभाव क्या होता है। तो यह प्रभाव डालता है आपके पूरे जीवन पर, उसमें सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, इन स्तरों पर, इन लेवल पर आपको यह पीड़ा देता है। मानसिक स्तर पर पीड़ा देने का मतलब आपकी मानसिक स्थिति को डगमगा देना, पागलपन, अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, इसमें आप चले जाते हैं जब मानसिक रूप से आपको वह चीज़ प्रताड़ित करती है। शारीरिक रूप से कोई बीमारी लग जाना, आपको शरीर में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, नीचे से दाएं बाएं की तरफ आपका दर्द चढ़ना, कमर में जो स्थान होता है आपका दोनों कूलों के ऊपर जो हड्डी होती है उसमें से दर्द ऊपर की तरफ बढ़ता है और दाएं या बाएं तरफ वह ऐसा महसूस होता है कि दाएं से बाएं तरफ वह दर्द जा रहा है। आपकी गर्दन में हो सकता है ऊपर, तो इससे दर्द दिए जाते हैं शारीरिक रूप से। अब आर्थिक रूप से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आप बीमार हो, कोई बीमारी है तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टरों के पास जाओगे, और डॉक्टरों के पास जाओगे तो वहाँ आपका खर्च होगा, आर्थिक रूप से आपको समस्या आएगी। एक तो आप बीमार हैं, मानसिक रूप से भी बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, तो आप ठीक से अपना काम धंधा भी नहीं कर पाते हैं, कोई रोजगार, कोई जॉब, कोई आप जो वर्क करते हैं जिससे कि दो पैसे कमाकर आप अपने घर लाते हैं, आपके घर का गुजारा चलता है, खर्च चलता है, दो रोटी आप खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो वह काम आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके शरीर की स्थिति आपका साथ नहीं देती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग काम नहीं करता, तो न तो आप पैसे कमाते हैं और इलाज के दौरान आपका खर्चा होता है, चाहे वह डॉक्टर का इलाज हो, चाहे वह तांत्रिक क्रिया का इलाज हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जो भी आप इलाज करवाएंगे बेटा उसमें पैसा ही लगेगा, आने जाने में चक्कर लगेंगे आपके, उसका किराया भाड़ा लगेगा, तो आर्थिक रूप से यह आपको तोड़ देता है। अब चौथा प्रभाव होता है सामाजिक स्तर पर प्रभाव। सामाजिक स्तर क्या होता है, आपका घर परिवार, कुटुंब कबीला, अड़ोस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले मित्र, जब इन लोगों को पता चलता है कि यह व्यक्ति बीमार है, समस्याओं से घिर गया है, पैसे की आमदन के साधन इसके बंद हो गए हैं, अब इसके पास पैसा नहीं है, यह जरूरतमंद है, पीड़ित है, तो हर कोई व्यक्ति आपसे दूर हटने लगता है क्योंकि वह जानते हैं कि साफ साफ कि यह व्यक्ति अब कंगाल हो चुका है, और यह यदि इसके साथ ज़्यादा हम लाग लपेट रखेंगे तो यह हमें ही पैसे मांगकर या कोई साधन के द्वारा कोई मदद मांगेगा और वह हमें करनी पड़ेगी। अब पैसा आपके पास होता नहीं है तो कोई भी आपके साथ खड़ा होना नहीं चाहता है क्योंकि दुनिया ये जो है ना, ये पैसे के ऊपर ही नाचती है। जिसके पास पैसा है यह उसको
सम्मान देती है, उसके लिए खड़ी हो जाती है, उसके पीछे खड़ी हो जाती है। लेकिन जिसके पास पैसा खत्म हो जाता है, कंगाल हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, गरीबी में चला जाता है, उसका फिर कोई साथी नहीं रहता। न उसका कोई साथी घर परिवार का रहता है, न कुटुंब कबीला रहता है, न अड़ोसी पड़ोसी उसको देख के खुश होते हैं, न ही कोई रिश्तेदार। ऐसी स्थितियों में यदि आप बीमारी की हालत में हैं, कर्जवान हो गए हैं, कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, और आप कुछ पैसे, कुछ रुपए, कुछ हज़ार रुपए के लिए आप अपने रिश्तेदार या किसी को भी आप बोलते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे ऐसे पीड़ित हूँ, तो हर कोई आदमी आपसे बचने लगता है। तो इसको मैं सामाजिक स्तर पर चोट मानता हूँ जो कि आपके ऊपर कर दी जाती है पुतली तंत्र के प्रभाव से। अब हम जान लेते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण तो सीधे सीधे हैं, जैसे ही पुतली प्रयोग होगा आपके शरीर में दर्द रहना शुरू होगा, कमर में दर्द होगा, आपकी पेट में दर्द होगा, कई मामलों में तो मारण क्रिया में जो होता है उसमें मृत्यु तक हो जाती है। उसमें ऐसी बीमारी दे दी जाती है जैसे कैंसर होने से आपकी मृत्यु हो जाए, आपका लीवर फैल हो जाए, किडनी फैल हो जाए, किडनी का रोग हो जाए, इस तरह की बीमारियां अचानक उभर जाती है। आजकल तो हार्ट अटैक एक फैशन हो गया है कि हार्ट अटैक आ गया, तो ये पुतली के माध्यम से किया जाता है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, रिपोर्ट निकलवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है रिपोर्ट में, जबकि आप पीड़ित रहते हैं। आप दवाई खाते हैं, इधर उधर आप डिप्रेशन की दवाई दे देता है, कोई दर्द की दे देता है, कोई एंटीबायोटिक आपको सौंप देता है, जो दवाइयाँ लगातार खाने से आपको साइड इफेक्ट देती हैं, क्योंकि बीमारी आपको कोई फिजिकल थी ही नहीं, आपको बीमारी थी पुतली प्रयोग के द्वारा प्रेत की बीमारी, लेकिन आप दवाई खा खा कर आप और ज़्यादा पीड़ित हो जाते हो। तो इसमें पुतली में खून का इस्तेमाल होता है, काली स्याही का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है, शमशान की चिता का कोयला इसमें यूज किया जाता है। उस पुतली को कील चुबोई जाती है, सुई चुबोई जाती है, और जैसे जैसे कील चुबोई जाती है, जिस अंग में कील चुबोई जाती है, सुई चुबोई जाती है, उस अंग में आपको पीड़ा रहने लगती है, कष्ट रहने लगता है। जैसे माथे में, सर में सुई चुबोई जाए तो आपके सर में दर्द रहने लगेगा, आधा सर दर्द करेगा, कभी पूरा सर दर्द करेगा, अपने आप दर्द करेगा, बहुत तेज दर्द होगा, और अपने आप ही वह दर्द कम हो जाएगा। तो उस पुतली में आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, आपके ओरे की ऊर्जा उसमें जोड़ दी जाती है, जिससे वहाँ पर किया गया प्रयोग आपके ऊपर रंग लाता है और आपको पीड़ित करता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या हैं, आखिर पुतली तंत्र करवाया क्यों जाता है। तो जैसे कोई आपसे बदला लेना चाहता है, आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है, आपके कुछ धन संपत्ति का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, प्रेम विवाह का मामला है, अवैध संबंधों का मामला है, किसी भी मामले में यदि कोई दुश्मन आपके ऊपर पुतली तंत्र करवाता है तो उसका कारण क्या होता है, क्या चाहता है वो। फर्स्ट तो वह चाहता है कि दुश्मन से छुटकारा मिल जाए, यानी कि आपसे छुटकारा मिल जाए। आपसे छुटकारा कैसे मिलेगा, उसके दो सूरत हो सकती हैं। फर्स्ट तो आपकी मृत्यु हो जाए, सेकंड आप ऐसी असाध्य बीमारी से, ऐसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाए कि आप बेड पे चारपाई पे ही पड़े जाए, और उस दुश्मन को इससे खुशी मिलती है, वह आपको बर्बाद करना चाहता है। तो बर्बाद तो आपको मार के भी कर सकता है और जिंदा भी कर सकता है। जिंदा यदि आप खाट में लग गए, बेड में लग गए, उठ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बर्बाद ही हो गए आप। आपको कष्ट बीमारी देना ताकि आप नीचे गिर जाओ, अपने स्तर से, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी स्तर से आप नीचे गिर जाओ, और उसके रास्ते में ना उसको दोबारा, उसको आप चुनौती नहीं दे इसको, इसलिए इसको किया जाता है आपको बीमार करने के लिए। इसमें स्तंभन प्रयोग भी होता है, किसी की बुद्धि का स्तंभन कर देना। मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं किसी के खिलाफ, या फिर आप एक अच्छे खासे प्रभावशाली इंसान हैं और वह आपके प्रभाव से जलता है, खुद आपके पद पर जाना चाहता है, खुद आपसे ऊपर निकलना चाहता है, सम्मान की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, तो इसमें बुद्धि बंधन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बुद्धि को बांध दिया जाता है शत्रु की। और बुद्धि को बांध देने के बाद उसके साथ क्या होता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, उसको तरह तरह के उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, कई बार तो आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तो उसको बुद्धि स्तंभन कहते हैं, बुद्धि को बांध देना। फिर वह व्यक्ति कुछ काम नहीं कर पाता है, जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा ही नहीं कर पाता है, वह काम बिगड़ जाता है बिल्कुल 90-95% जाने के बाद,
वह काम बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर न इतनी लगन होती है न दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती हैं ये आपकी बुद्धि को किसी एक जगह पर टिकने नहीं देती हैं। भले ही आपका काम बन रहा हो, अचानक आपका मन उस काम से हट जाता है, आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं, उस काम में रुचि नहीं रहती आपकी, और वह काम ठप हो जाता है और आपके पैसे जो है वह बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से यह किया जाता है। कई मामलों में हमने देखा है कि स्त्रियां जो एक दूसरे से जलती हैं, ननंद भाभी हो गई, देवरानी जेठानी हो गई, सास हो गई, इस तरह से मामलों में कोख बंधन तक करवा दिया जाता है। वह भी स्तंभन की प्रक्रिया में आता है। आपकी संतान वृद्धि न हो, आप बांझपन का शिकार हो जाएं, आपको संतान की प्राप्ति न हो, इस तरह से आपका कोख बंधन करवा दिया जाता है। रोजगार बंधन भी इसी अक्षेत्र में आता है, स्तंभन में ही आता है। आपके रोजगार को स्तंभित कर दिया जाता है। स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना। जैसे आपकी दुकान अच्छी चली हुई है, उसको स्तंभित कर दिया जाता है। आपकी फसल है, आपका पशुपालन का दूध का काम है, आपकी जॉब है, इनको स्तंभन करते ही आपके जो है आमदनी के जो साधन होते हैं वह बंद होने लगते हैं, पैसा आना बंद होने लगता है, और आता भी है तो बहुत कम आता है, जिससे कि आपकी बीमारी में ही खर्च हो जाता है ज़्यादातर पैसा। तो इसको व्यापार स्तंभन बोला जाता है। अब असाध्य बीमारी दे दी जाती है, जैसे आपको कैंसर हो गया, कोई हृदय की बीमारी हो गई, आपके मानसिक रूप से कोई ऐसी तेज बीमारी हो गई जिससे आप निष्क्रिय होकर पड़ जाते हैं, मतलब आप अब उसके रास्ते में नहीं आते हैं। यह ज़्यादातर बिजनेस मॉडल में किया जाता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी होता है, यदि वह तंत्र क्रिया में महारत है उसे, या उसके पास कोई ऐसा सिद्ध, कोई ऐसा तांत्रिक है, कोई ओगड़ अगोरी है, कोई गुनिया सोखा है, कोई भोपा है, कोई तांत्रिक है, कोई भगत है, कोई बांकी है, इस तरह के ये व्यक्ति के साथ यदि उसके संबंध है, तो वह अपने कंपटीटर के यानी कि प्रतिद्वंदी के ऊपर ये प्रयोग करवा देता है, जिसके बाद वह निष्क्रिय हो जाता है, उस काम को कर नहीं पाता है, वो ठेका ले नहीं पाता है। पहले वह ले लेता था, अधिकारियों में उसकी जान पहचान थी, अपना वह काम निकाल लेता था, लेकिन अब वह ऐसा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके निष्क्रिय कर दिया गया है एक असाध्य बीमारी देकर। वशीकरण प्रयोग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पुतली से जो वशीकरण होता है, उसके द्वारा किसी की बुद्धि को कंट्रोल कर लिया जाता है। यह कुछ समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है। कुछ समय के लिए कंट्रोल करके आपको बुरी तरह से पीड़ित कर दिया जाता है, फिर आपका दिमाग जो है निष्क्रिय हो जाता है। आप एक पागलपन की, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, एक तनाव की स्थिति में चले जाते हैं, आप कुछ काम धंधा कर नहीं पाते हैं, और आपके घर में कलह रहने लग जाता है। कलह क्यों रहने लग जाता है? अब काम धंधा नहीं करेंगे तो दो पैसे आएंगे नहीं, और जहां दो पैसे नहीं आते, कंगाली छा जाती है, दरिद्रता छा जाती है, वहां कलेश रहना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब आपके बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में फीस की आवश्यकता है, ट्यूशन फीस की आवश्यकता है, कहीं एडमिशन लेना है तब पैसा, कोई बीमारी है तब पैसा, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है। और जब आपके आमदनी के साधन बंद हो जाते हैं तंत्र विद्या के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो पैसा आता नहीं है। अब पैसा नहीं आता तो क्लेश रहना स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक सी बात है। बगैर पैसे कौन आपसे खुश रहेगा? पहले आप कमाते थे, बच्चे भी आपकी इज्जत करते थे, पत्नी भी आपको देख के मुस्कुराती थी आते समय, लेकिन अब पैसा नहीं आता तो वो भी माथा पकड़ लेते हैं आपको देखकर कि आप हमारे भविष्य कैसा होगा, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, इस तरह के सवाल आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। और पुतली के प्रयोग से क्या क्या पीड़ा दी जा सकती है वह भी मैं बता देता हूँ, उसके लक्षण क्या होते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमारे शरीर में सुइयां चुभने जैसा फील होता है, जैसे कोई सुई चुभा दी गई है। कई लोगों को हृदय में यानी छाती में, दिल में, वहाँ पर एक चुभन का महसूस होता है, बिल्कुल तीखी चुभन जो होती है, जैसे किसी ने सुई कोई चाकू डाल दिया। कुछ लोगों को सर में ऐसी पीड़ा होती है, बहुत तेज दर्द होता है एकदम से, और वह बैठ जाते हैं सर को पकड़ के। कुछ लोगों को पेट में ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ चुभो दिया गया हो। ज़्यादातर महिलाएं बताती हैं कि गुरुजी हमारे जो पैरों में है, पैरों में ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो दी है, कोई काटा चुभो दिया गया है। खासकर जांघों के आसपास यह
दर्द महसूस होता है। अब पुतली को सुइयां चुभेंगे तो आपको वह पीड़ा झेलनी पड़ती है। अन्य मामलों में कई लोग बताते हैं, गुरुजी हमारे सीने में जलन होती है, मुंह में जलन होती है, हाथों में पैरों में जलन होती है। कई स्त्रियां बताती हैं गुरुजी की हमारी जो योनि है वहाँ पर जलन होती है। तो वह जलन कैसे होती है? पुतली के प्रयोग से वह जो तांत्रिक है, जो भी है, भगत है, ओजागुनी अशोक का बाकी, वह उस पुतली को बार बार आग में झुलसाता रहता है। जैसे ही वह आंच लगाता है उस पुतली को, वह जलन आपको महसूस होती है। इस तरह से वह आपको पीड़ित करता है। अब वशीकरण के प्रयोग में लोग अपने इशारों पर नचाने लगते हैं सामने वाले को, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा होती है, आत्मा की ऊर्जा होती है, जो उनका अंश होता है, वह उस पुतली में स्थापित किया जाता है तंत्र प्रक्रियाओं के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा, जो भी उसको विद्या है उस विद्या के द्वारा आपकी उसमें प्राण प्रतिष्ठा एक किस्म से हो जाती है। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए या फिर आपके ओरे की ऊर्जा को उसमें स्थापित कर दिया जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें आपको महसूस होंगी जो पुतली के साथ किया जाता है। अब इसमें जो मारण क्रिया है उसकी मैं बता देता हूँ, उसमें क्या क्या शक्ति चलती है और क्या क्या वह क्रिया करता है। तो बेटा, जो मारण क्रिया होती है पुतली के द्वारा, उसमें शराब का भोग लगता है, मांस का लगता है। कई बार तो जो तांत्रिक होता है या जो करवाने वाला होता है, उसे अपने खून से उस पुतली को स्नान करवाना पड़ता है। वह अपनी उंगली आदि काटता है या कहीं से भी खून निकाले अपने शरीर में, उस पुतली को नहलाया जाता है, शराब से नहलाया जाता है। इस तरह से मारण प्रयोग में ये विद्या चलाई जाती है। इसमें बलि का प्रावधान है, पशु बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि हो, बकरे की बलि हो, सुअर की बलि हो, इस तरह से बलि देकर पुतली को चलाया जाता है, जागृत किया जाता है। और शक्तियाँ इसमें ज़्यादातर केसों में मरघट काली का चलती है, शमशान भैरव की चलती है। इसके अलावा योगनियों की शक्ति चलती है, मसाणी की शक्ति चलती है, मसाण की शक्ति चलती है, ब्रह्म राक्षस की शक्ति चलती है। इस तरह की शक्तियों को भोग देकर, बलि प्रसाद आदि देकर, मंत्रोच्चार से उनको काबू करके, और तब इस पुतली के माध्यम से आपको पीड़ित किया जाता है। अब वशीकरण प्रयोग में क्या होता है इस पुतली का? तो जो वशीकरण प्रयोग करता है वह इस पुतली को मीठे पानी से, पानी में जैसे शक्कर मिला के मीठा किया, उससे नहलाया जाता है, इत्र लगाया जाता है, सुगंध लगाया जाता है, लिपस्टिक लगाई जाती है, नेल पॉलिश लगाई जाती है, पूरी तरह से उसे स्त्री का रूप दिया जाता है, क्योंकि वशीकरण प्रयोग पुतली के द्वारा ज़्यादातर महिलाओं पर ही होता है। 70% प्रयोग महिलाओं पर होता है, 30% पुरुषों पर होता है, क्योंकि महिलाओं पर जो प्रयोग होता है वह वशीकरण का प्रयोग पुतली के माध्यम से एक अचूक तरीका है उस तांत्रिक के पास या उस करवाने वाले के पास कि वह आपको पीड़ित करे। तो इसमें इत्र का, सुगंध का, मीठे पानी का, माहवारी के रक्त का प्रयोग किया जाता है। स्त्री की जो माहवारी से जो रक्त निकलता है मासिक धर्म का, उसके रक्त का प्रयोग किया जाता है। और वशीकरण के जो मामले होते हैं, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, इसमें संभोग की शक्तियों को छोड़ा जाता है, यानी कि सेक्स काम ऊर्जा की शक्तियों को छोड़ा जाता है। इसमें ज़्यादातर प्रेत जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में प्रेमी थे, प्रेमी जोड़ा था, भागकर शादी करने वाले थे या कर ली थी, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाए, जिसकी शादी नहीं हुई, ऐसे कवारे प्रेत लड़के या औरत जिनकी तीव्र इच्छा थी कि शादी करे, वो काम इच्छा उनकी जाग रही थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे प्यार में तड़पने वाले जो प्रेमी होते हैं, लोग होते हैं, उनको मृत्यु के बाद इन मैली क्रियाओं में लगाया जाता है। तो ये संभोग की क्रिया के एहसास दिलाता है आपको। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी स्वप्न में संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। कई स्त्रियाँ बोलती हैं जैसे किसी ने पैर को पकड़ लिया है, हाथ को पकड़ लिया, ऐसे टच के एहसास होते हैं उनको, जबकि उनके आसपास कोई होता नहीं है। यह कब होता है? जब स्त्री अकेली होती है घर में, दिन में या रात में, वह लेटती है, सोने की कोशिश करती है, आराम करने की कोशिश करती है, आँखें बंद जैसे ही करती है,
कोई ऐसी शक्ति है, कोई चीज है जो अनुभव उनको दिलाती है, जैसे उसका पैर पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया है, उसको टच करके हिला दिया है, इस तरह की शक्ति होती है। ये संभोग की शक्तियाँ होती हैं, गलत शक्ति होती हैं, गंदे काम यह करती हैं, गंदे ख्याल आपको लाती हैं। तो ये होता है पुतली के द्वारा वशीकरण प्रयोग, और ज़्यादातर यह संभोग के द्वारा ही किया जाता है वशीकरण तंत्र। इसमें तांत्रिक किसी स्त्री को अपनी साधना में सम्मिलित करता है और वो दोनों संभोग करते हुए अपने मंत्र जो होते हैं उनके, उनका जाप करते हैं। संभोग के माध्यम से यह किया जाता है। फिर स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य जो निकलता है, उस चीज को अभिमंत्रित करके, उसकी बूंद को अभिमंत्रित करके, दोनों के मिक्स वीर्य और रज को, उसको किसी को खिलाया पिलाया जाता है। यह प्रयोग बहुत खतरनाक प्रयोग है, क्योंकि यह संभोग के द्वारा किया जाता वशीकरण है, संभोग के द्वारा चढ़ाई गई शक्ति हैं, तो यह संभोग से ही चढ़ती हैं और उतरती भी संभोग से ही है। इसमें इलाज के दौरान संभोग से ही इलाज होता है, और जब किसी के ऊपर तंत्र करता है तांत्रिक, तब भी संभोग का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसमें एहसास कैसे होते हैं, जो पीड़ित होता है, जो मरीज होता है, जिसको ये खिलाया पिलाया भी जाता है या फिर पुतली के माध्यम से किया जाता है, उसकी ऊर्जा को, अंश को सम्मुख रख के यह प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर उन चीज़ों को डाला जाता है पुतली को, तो यह चीज़ें उसको पकड़ लेती हैं। अब यह वशीकरण होने के बाद आपके साथ क्या होता है, आप बुझे बुझे से रहने लग जाते हैं, आपके चेहरे की चमक चली जाती है, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, शरीर सूखने लगता है, नींद आपको आती नहीं है। इसमें ज़्यादातर गिरने के मामले आपको दिखाई देते हैं स्वप्न में, जैसे आप किसी ऊंचाई की चीज़ से एकदम से नीचे गिर रहे हैं, बड़ी स्पीड से नीचे आ रहे हैं, और नीचे आके एकदम से धम, जैसे ही टकराने की नौबत आती है ज़मीन पर ऊपर से गिर के, तभी आपकी आँख खुल जाती है और एकदम आप कांप जाते हैं, आपके रोवे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह पुतली की क्रियाएँ हैं। यह पुतली को कहीं गाड़ा भी जा सकता है, कोई दीवार में कील ठोक देता है पुतली में, कोई उसको लटका देता है किसी वीरान खंडर में, किसी पेड़ पर लटका देता है, और जैसे जैसे वह पुतली सूखती है वह पुतली, वैसे वैसे वह व्यक्ति भी सूखने लग जाता है, जैसे कोई उसको भीतर ही भीतर उसका कोई खून चूस रहा हो, उसमें खून की मात्रा कम होने लगती है, चेहरा उसका पीला या काला पड़ने लगता है, क्योंकि उसका खून, जैसे जैसे पुतली सूखती है वह व्यक्ति भी सूखना शुरू हो जाता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि इस बीमारी से वह मृत्यु के काल के गगरास में चला जाता है। तो पुतली का जो तंत्र होता है वह बहुत ही ज़्यादा गलत तंत्र है, बहुत ही खतरनाक तंत्र है, बहुत ही गंदा तंत्र है, और ऐसा तंत्र करने वाले व्यक्ति अपने मृत्यु के समय, उनको कीड़े पड़ते हैं जो ये पुतली के तंत्र करते हैं, क्योंकि यह सीधा सीधा एक बहुत ही गलत प्रयोग है जो किसी को नहीं करना चाहिए। किसी का भला अगर कर सको जीवन में तो करो, बुरा भी क्यों करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, कुछ भगत को तांत्रिक हो जा गुनिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा, पैसे को ही पावर समझते हैं, उन्हें पाप पुण्य कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, आज तो मजे ले ले, और आज यदि मजे लेने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वह किसी भी गलत कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं दो पैसे के लालच में, और वह ऐसा तंत्र कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, उसका पूरी फैमिली बिखर जाती है, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, उस तरह से उसका जीवन एक ढेर की तरह बिखर जाता है, रेत की तरह उसका जो घर है, उसके जीवन रूपी घर है, रेत के महल की तरह वह ध्वस्त हो जाता है। तो यह पुतली तंत्र है, इसमें चौगान की शक्तियां चलती हैं, शमशान की शक्तियां चलती हैं, दोनों तरह की शक्ति को इसमें चलाया जा सकता है। वह उस तांत्रिक भगत के ऊपर निर्भर है कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, शमशान की सिद्धि है, मशान की सिद्धि है, कोई घाट की सिद्धि है, किसी चौगान की सिद्धि है, किसी खंडर की सिद्धि है, कोई बेताल है, जो भी उसके पास शक्ति है वह उसके माध्यम से ही आपको पीड़ित कर देता है। तो
आज पुतली की वीडियो में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। यदि आपको ऐसी ही कोई समस्या है, ऐसे ही कोई लक्षण है, तो इसका इलाज हम आपका कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। यह प्रोग्राम शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से प्रस्तुत किया गया। मैं योगी आनंद। ओम नमो आदेश गुरु जी को।